अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम नुमान जवेद है। मैं अरसा एक साल से बीमार हूँ। मुझे एंग्जाइटी की बहुत कंप्लेन थी, तो मैं शुरू से ही डॉक्टर साहब को फॉलो करता रहा हूँ। डॉक्टर साहब को देखता रहा मैं, फॉलो करता करता मुझे एक यकीन पैदा हो गया था कि डॉक्टर साहब से मैं ठीक हो जाऊँगा। इससे पहले बहुत सारी जगह मैंने चेक करवाया, बहुत सारे लाहौर डॉक्टर को भी चेक करवाया, लेकिन नहीं। तो अभी मैं पूरा चेकअप नहीं करवाया, सही पूरा हुआ नहीं था, तो मैं वापस अपना दुबई चला गया था। तो फिर उधर गया हूँ, मेरी तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर उधर से सीधा मैं डॉक्टर पास आया हूँ इधर इलाज के लिए। तो मेरा घर शेखुपुरा है, मैं सीधा घर नहीं गया, मैं दुबई से सीधा इधर इलाज करवाने के लिए आया हूँ। तो मैं आप सब भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी बंदे को दिमागी प्रॉब्लम है ना, जिसमें डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी होगी, वो बंदे को पता नहीं चलता कि मुझे क्या मसला है, लेकिन वो लाजमी डॉक्टर से रुजू करे। 5 दिन में इलाज हुआ है, इधर 5 मशीनें लगी हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 80% मैं क्लियर हूँ। बहुत शुक्रिया नुमान साहब। हाँ जी, आपने नाज़रीन सुन ली इनकी बात। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बहुत दूर से आए हुए हैं नुमान साहब, घर इनका शेखुपुरा है, जॉब दुबई में करते हैं। ये सिर्फ वीडियो देख के, पेशेंट्स के इंटरव्यू देख के इनको एक तसल्ली हुई, एक उम्मीद आई इनको भी, मैंने डॉक्टर यहाँ आके अपना इलाज कराना है ECT मशीन से और मैं ठीक होना है। इन्होंने कंटेक्ट किया, हमने बुला लिया। अब ये डायरेक्ट दुबई से मुल्तान इन्होंने एयरपोर्ट से आए, फिर DG कहाँ आए, 5 दिन हो गए हैं, ECT का ट्रीटमेंट हुआ है, आपने सुन लिया है, 80% ठीक हो गए हैं। ये 80% 5 दिन में, जो एक साल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी, पूरे लाहौर में गुजरांवाला सबको दिखा चुके थे। दुबई गए, फिर आ गए, मतलब इतना ज़्यादा ये इन्होंने ट्रैवलिंग की, स्ट्रेस इनका बढ़ता गया, तबीयत ठीक नहीं हुई, काम नहीं कर सक पा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने सुरखुरु किया, मुझे भी इनके आगे इनकी जो एक्सपेक्टेशन थी उस पर हम पूरा उतरे, इन्होंने जो सफ़र किया उस पर हम पूरा उतरे, आज ये सेटिस्फाइड हैं। 80% वो खुद कह रहे हैं, 80% इनको इम्प्रूवमेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे ट्रीटमेंट चलता रहेगा, इनका कोर्स पूरा होगा तो इंशाल्लाह ये 100% ठीक हो जाएंगे। मकसद वीडियो का ये था भाई, डीजी खाम में इतनी दूर से पेशेंट आ रहे हैं, अब इनका घर शेखुपुरा है, आए दुबई से हैं, कुछ उनको नज़र आ रहा है ना, कुछ रिलीफ मिल रहा है पेशेंट्स को, लोगों को, तो वो आ रहा है। मकसद यही था वीडियो का। अब मैंने वीडियो का सिलसिला इसलिए शुरू किया है, जो मरीज़ ठीक नहीं हो रहा है उनके लिए यहाँ इलाज है। वो जहाँ भी हों, ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज़ नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपकी हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो। देर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। अगर ज़हनी सेहत नहीं तो कोई सेहत नहीं, ऐसे हैं जनाब। अब ये यंग हैं, क्वाइट यंग हैं, कारोबार भी कर रहे थे, अगर इनकी ज़हनी सेहत ठीक नहीं थी तो इनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, ये कोई काम कर नहीं पा रहे थे, इनको सुकून ही नहीं था, नींद नहीं आती थी, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, नींद के मसाइल, मैदे के मसाइल, सारे ठीक हो गए अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में। और क्या चाहिए, अक्सर पैगाम देना था, जो जो पेशेंट है आप जानते हैं, आप वीडियो देख रहे हैं, इसको शेयर करें, इस पैगाम को आगे पहुंचाएं, पेशेंट्स को रिलीफ मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान से मरीज़ आ रहे हैं DG खां में, और मुझे बड़ी खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी मेहनत रंग ला रही है, मेरी मेहनत ज़ाया नहीं हो रही, जितना मैं इलाज कर रहा हूँ एम्पैथेटिकली पेशेंट्स का, वैसे मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। थैंक यू सो मच, आप इसको शेयर करें ताकि कोई पेशेंट रह ना जाए, आएँ सारे आएँ, अपना इलाज कराएँ और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।